हेलो एवरीवन, माय नेम इज विनय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय YouTube चैनल एमजी एडुटेनमेंट। दोस्तों, आज इस वीडियो को मैं बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के अंदर हम 10th क्लास के एडमिशन को डन करते हैं, यानी कि जो बच्चे 2022 में अप्रैल और अक्टूबर सेशन में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो वो लोग किस तरीके से, उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिस वजह से वो अपना एडमिशन को प्रॉपर तरीके से कर पाए, तो इस सब की जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को दी जाएगी। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 10th क्लास के बच्चों का कि जो NIOS में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं या वो एडमिशन लेना चाहते हैं NIOS के अंदर, राइट। तो क्या होता है कि कई बार ब्रोकर्स होते हैं बाहर और वो लूटिंग करते हैं, आपसे बहुत ज्यादा रकम मांग लेते हैं, जैसे कि मैंने देखा मेरे कमेंट्स के अंदर और बहुत सारी वीडियोस के अंदर मेरे को जो कमेंट्स आते हैं बच्चों के, वो बताते हैं कि सर यहाँ तो फीस बहुत ज्यादा ली जाती है NIOS के अंदर, तो फीस इतनी नहीं होनी चाहिए। तो जब मेरी उनसे बात होती है तो वो बताते हैं कि सर हमसे 30,000 रुपए लिए गए, हमसे 25,000 रुपए लिए गए, या हमसे 9,000 रुपए लिए गए, हमसे 18,000 रुपए लिए गए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट मेरे को सुनने को मिलते हैं। लेकिन एक्चुअली फीस क्या होती है आज मैं इस वीडियो के अंदर बिल्कुल खुलासा करने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, हो सकते हैं आपके 2 रुपए भी मैं बचाने में कामयाब हो जाऊं, राइट। सबसे पहले शुरू करते हैं कि NIOS के 10th क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपके पास कौन कौन से एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जिसकी आपके पास होने की वजह से आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं, आपका एडमिशन कंफर्म होगा 101%, राइट। ये मिलाप गुप्ता का वादा है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए आपका आधार कार्ड, एंड डू यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज आधार कार्ड दैट यू ऑलरेडी हैव एट योर होम, राइट, और इन योर पॉकेट और इन योर वॉलेट। आपके पास आधार कार्ड होगा, उस आधार कार्ड का फ्रंट बैक का जो फोटो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसी के आधार पर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, राइट। दूसरी बात, आधार कार्ड के बाद हम बात करते हैं कि अगर आप 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 8th या 9th क्लास की TC यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको स्कूल का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप स्कूल जाएंगे, अपना 8th या 9th क्लास का TC लेंगे, या 9th पास भी अगर आपके पास होगा तो भी चलेगा, तो आपको 9th पास की मार्कशीट या फिर TC, यानी कि TC बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। आपको 8th या 9th क्लास की TC जो कि आपके पुराने स्कूल से आपको मिलेगी वो आपके पास होनी चाहिए, उसके आधार पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती है। अब यहां पर भी एक दिक्कत है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का मतलब क्या है, जब आप नई नई फोटो आपको खिंचवानी है, सपोज के लिए आपको आज एडमिशन लेना है तो आप आजकल में ही एक नई फोटो खिंचवाइए फोटोग्राफर के पास। जब आप फोटोग्राफर के पास जाएंगे तो उनसे आप ये कहिएगा कि फोटो के नीचे मेरी डेट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट, जिस दिन आप फोटो खिंचवा रहे हैं उसकी डेट होनी चाहिए और डेट के नीचे आपका नाम वो मेंशन करे, राइट, विद योर कास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगी जिसमें आपका डेट होगी, डेट के नीचे आपका नाम होगा। उसके बाद आपके एक ब्लैंक पेपर पे आपको एक सिग्नेचर करने है, सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके आपको अपने कंप्यूटर तक पहुंचाना है, यानी कि अपने मोबाइल के अंदर रखे ताकि आप उसको भी अपलोड कर सके। ये सब अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन एडमिशन के लिए। तो लास्ट में आपको चाहिए एक फोन नंबर, एक फोन नंबर से एक ही एडमिशन कंफर्म होता है। पहले 3-3 भी किए हैं मैंने, जैसे से पता है 2017 and 2018 के अंदर, लेकिन आप नहीं है, आप एक फोन से एक ही एडमिशन आप कंफर्म कर सकते हो, राइट, तो रिमेंबर दैट। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड हो गया, 8 और 9 का TC हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गई, सिग्नेचर हो गया और आपका फोन नंबर, ये सब आपको अपलोड करने पड़ते हैं इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स। आप बात कर लेते हैं फीस की। देखिए, फीस को लेकर तो बहुत बड़ा झमेला है, आप किसी को भी एक्स्ट्रा फीस देते हैं तो आपके, पता है, मेहनत का पैसा है ना, जब निकलता है जेब से तो थोड़ा दर्द तो होता ही है। तो आज मैं उस दर्द पे मलहम लगाने वाला हूँ, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, राइट। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस की। रजिस्ट्रेशन फीस वो फीस होती है जब आप NIOS में एडमिशन लेते हैं 10th के, तो जो एक्चुअल फीस आपको देनी है वो क्या है, देखिए 10th क्लास के बच्चे को जो एक्चुअल फीस देनी होती है दैट इज 1900 यानी कि 1900 रुपीज, यानी कि 1900 रुपीज आपको पे करना पड़ता है जो एक्चुअल फीस होती है, ये रजिस्ट्रेशन फीस है, राइट। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप चाहते हैं कि खुद से एडमिशन लेना तो आपको 1900 रुपए पे करने होते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाता है, राइट। अब इसमें एडमिशन चार्ज क्या है, ये एडमिशन चार्ज होता है 800 रुपीज। ये क्या है, ये है अगर आप ये एडमिशन हमसे करवाना चाहते हैं, यानी कि MG एडुटेनमेंट यानी कि हमारे जो बैकेंड में अगर आप ये कॉल करते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर और कॉल नंबर अपना शेयर करूंगा, फोन नंबर अपना, आप उस पर कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप एडमिशन हमसे करवाते हैं तो आपको 800 रुपीज एडमिशन चार्ज एक्स्ट्रा देना होगा, तो हम आपका एडमिशन ये कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारी काउंसलिंग फीस है, काउंसलिंग फीस हम लेते हैं 1000 रुपीज, राइट। 1000 रुपीज काउंसलिंग फीस का मतलब ये है कि जिस दिन आपका एडमिशन होगा तब से लेकर पूरे एंड तक, जब तक आपके एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते, रिजल्ट तक की पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन देते रहे, कब आपके एग्जाम्स होने हैं, कब आपके TMA जमा होंगे, कब असाइनमेंट जमा होंगे, कब प्रैक्टिकल जमा होंगे, आपकी एग्जाम फीस कब जमा होनी है, ये सारी जानकारी हम टाइम टू टाइम आपको देते रहेंगे। शॉर्ट असाइनमेंट आपको मिलते हैं,
100 प्रैक्टिकल्स आपको मिलेंगे और ये ऑफ कॉस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, यानी कि ये आपको इसी चार्ज में दिया जाएगा, ये बिल्कुल फ्री मिलेंगे आपको। सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल्स आपको इसी चैनल पे हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करेंगे, जहां से आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको आपके मोबाइल फोन पे मिलती रहेगी पूरे साल। यानी कि हमारे साथ एडमिशन होने के बाद बच्चा कभी सो नहीं सकता, यानी कि वो उसके 99.9% चांसेस होते हैं कि वो पास होगा, 1% चांस होता है कि वो पढ़ रहा है या नहीं, वो मेरी बातों को फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो इस चैनल के द्वारा बताएगी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर बैठा रहा है कि नहीं दिमाग के अंदर, राइट। तो मैं आपको यहां बता दूं, 1900 रुपीज जो चार्ज है ये NIMS का चार्ज है, ये दोनों चार्ज जो है ये मेरे चार्ज है, यानी कि इस चैनल के चार्ज है। यहां पर आप एडमिशन चार्ज 800 रुपीज अगर आप एडमिशन हमसे करवाना चाहते हो तो, वरना इसका वरना कोई चार्ज नहीं है। अगर काउंसलिंग फीस हम आप हमें 1000 रुपए देते हैं तो हम आपको पूरे साल के लिए गाइड भी करते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल पे देते हैं और आपसे 1-to-1 बात भी करने के लिए बिल्कुल रेडी है, राइट। असाइनमेंट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे इसी 1000 रुपीज में, सॉल्व प्रैक्टिकल्स मिलेंगे फ्री बिल्कुल इसी 1000 रुपीज में, और टोटल जो आपको अमाउंट बन जाता है वो बनता है 3700, यानी कि 3700 रुपीज, 3700 इंडियन रुपीज, राइट। तो ये अमाउंट आपको टोटल पे करना होता है 10th क्लास के एडमिशन के लिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सर मुझे काउंसलिंग नहीं चाहिए, सर मुझे सॉल्व असाइनमेंट नहीं चाहिए, मैं खुद बना लूंगा, प्रैक्टिकल मैं खुद कर लूंगा, मैं NIMS की बिल्डिंग में जाऊंगा और NIMS से बाकी की एग्जाम तक की सारी जिम्मेदारी या सारी जानकारी मैं वहां से लेता रहूंगा, आप सिर्फ एडमिशन कर दीजिए, तो हम आपसे 1900 रुपए प्लस 800 रुपए आपका एडमिशन चार्ज जो हम आपके लिए एडमिशन करेंगे ये हम चार्ज आपसे लेंगे और उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म कर देंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप ये पेमेंट करते हैं तो इससे आपको पूरे साल भर की टेंशन फ्री आप हो जाते हो, एक तरह से आप एक स्कूल में MG एजुकेशन स्कूल में एडमिशन हो जाता है जहां पे पूरी जिम्मेदारी आपकी ली जाती है, राइट। अब हम बात करते हैं इसके बाद भी कोई फीस होती है, जी हाँ फीस होती है इसके बाद, एग्जाम और प्रैक्टिकल की फीस एक बार और जमा होती है जो लगभग 1750 रुपए टोटल बनती है अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं, और अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो ये फीस थोड़ी सी होकर लगभग 2000 के आसपास पहुंच जाती है, राइट। मैं सिर्फ 5 के लिए आपको बता रहा हूँ, 1750 रुपए टोटल फीस होती है प्रैक्टिकल की और थ्योरी की फीस मिलाकर इसके अंदर होती है। इनमें से क्योंकि 5 सब्जेक्ट में से कुछ आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, राइट, तो उन प्रैक्टिकल्स की फीस प्लस थ्योरी की मिलाकर आपकी ये 1750 रुपए लगभग आपकी एग्जाम और प्रैक्टिकल फीस बन जाती है, राइट। अब 10th क्लास के पूरे साल का जो टोटल ओवरऑल चार्ज जो बनता है अगर हम प्लस करें तो वो आपका बन जाता है 5450, यानी कि 5450 इंडियन रुपीज, यानी कि 5450 रुपए आपका टोटल ओवरऑल पूरे साल का खर्चा है, एक भी पैसा इससे ऊपर आपका नहीं लगता, ये आपका 10th क्लास का पूरा एडमिशन कंफर्मेशन हो जाता है। प्रैक्टिकल कैसे जमाओगे, असाइनमेंट कैसे जमाओगे, सभी जानकारी आपको इसी पोर्टल पे यानी कि इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर आप ये एडमिशन हमसे करवाते हैं 800 रुपीज हम आपसे लेते हैं एडमिशन चार्ज, काउंसलिंग फीस आपसे लेते हैं 1000 रुपीज जिसमें हम पूरे साल की जिम्मेदारी आपकी लेते हैं। अदरवाइज NIMS की फीस जो है ना वो भी मैं आपको बता दूं, देखो एक ये 1900 रुपए ये फीस, दूसरी फीस आपकी 1750 रुपए यानी कि एग्जाम फीस, और इसको टोटल कर लीजिएगा ये होती है NIMS की जेन्युइन फीस, राइट। मैंने बता दिया है आपको, देख लीजिए वीडियो के अंदर आप ये पहले वाले को और पॉइंट नंबर ये एग्जाम एंड प्रैक्टिकल फीस को, इन दोनों को 1750 और 1900 को जोड़ेंगे ना, यही आपकी 10th क्लास की NIMS की एक्चुअल फीस होती है। ये भी मैंने अपना इसमें 800 और 1000 रुपीज ये मैंने जो बताया है ये मैंने आपको बताया वीडियो में क्यों लेते हैं एडमिशन चार्ज हमसे करवाएंगे तो, और काउंसलिंग फीस जो 1000, इससे ही होगा कि आप बाहर जितने भी लुटेरे हैं उनसे बच जाएंगे, वो लूटिंग जो करते हैं उससे आप बच जाएंगे, हर तरह की इन्फॉर्मेशन 24/7 आपको कॉल्स की सुविधा मिलेगी, सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। तो दोस्तों ये था आधार कार्ड, 8-9 का TC, पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर, फोन नंबर, और ये सारी फीसेज है जो आपको पे करनी होती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये इसलिए बताना चाहता था क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता एडमिशन्स कैसे होते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता ऑनलाइन में कहाँ पे जाके TA में सबमिट होते हैं, कहाँ एग्जाम फीस जमा होती है और फीस एक्चुअली कितनी, आज तक किसी को नहीं पता, बहुत बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने खुलासा कर दिया है ताकि उन बच्चों तक ये खबर पहुंच जाए जिनको एक्चुअली NIMS की फीस ना अक्सर टीचर्स बाहर के जो लोग होते हैं लुटेरे ना वो बताते नहीं है, मैंने इस वीडियो को इसलिए बताया है ताकि आप लोगों तक ये खबर पहुंच जाए कि आपकी एक्चुअली फीस होती क्या है। दोस्तों अगर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, राइट, और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके मोबाइल फोन पे मिलती रहे। मिलता हूं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।